आखिर कैसे एक पक्षी ने जापान के इंजीनियर्स को बुलेट ट्रेन में लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम जिसे सोनिक बूम कहते हैं उसे रिड्यूस करने में काफी हेल्प की थी। आज से लगभग 60 साल पहले जापान में पहली बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया गया था जो उस समय 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी। लेकिन दोस्तों बुलेट ट्रेन के शुरुआती डिजाइन के चलते जब ये ट्रेन किसी टनल से निकलती थी तो ये हाई प्रेशर वेव जो कि किसी कंसोर्ट जैसा होता था क्रिएट करती थी और 400 मीटर की रेंज में रहने वाले लोगों को बुरी तरह से इफेक्ट करती थी। जिसके बाद 1997 में जैपनीज एक नए डिजाइन पर काम करते हैं जिससे कि ट्रेन की स्पीड कम नहीं हुई और बुलेट ट्रेन काफी शांत भी हो गई। दरअसल इन्होंने किंग फिशर को ऑब्जर्व किया जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में डाइव लगाती है वो भी बिना कोई आवाज किए। तो कुछ दिनों में किंग फिशर पर रिसर्च करने पर पता चला कि इसकी लंबी चोच होने की वजह से आवाज प्रोड्यूस नहीं होती। इसके बाद इंजीनियर्स ने बुलेट ट्रेन के कई सारे हेड शेप पे काम किया और मल्टीपल टेस्ट के बाद जो शेप किंग फिशर की चोच से इंस्पायर